फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। सकरपुर इलाके में सीए के ऑफिस में हुई लूट का मामला पूर्वी दिल्ली जिला की स्पेशल स्टाफ की टीम ने सुलझाया। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्वी दिल्ली जिला के डीसीपी प्रियंका कश्यप ने शनिवार की दोपहर मीडिया को बताया कि पूर्वी दिल्ली जिला के सकरपुर थाना क्षेत्र में एक 9 लाख के करीब की लूट का मामला सामने आया था, जहां पर सकरपुर थाने को एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी 20 सितंबर को के 2 लोग आए बंदूक की नोक पर, करीब 9 लाख रुपए लूट लिए सीए ऑफिस में, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। और उसके बाद मामला दर्ज करने के बाद डीसीपी प्रियंका कश्यप के निर्देश पर स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर सतेंद्र खाड़ी ने एसीपी पंकज अरोरा के देखरेख में एक टीम बनाई थी। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के लगे 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। वहीं स्पेशल स्टाफ की दूसरी एक टीम जो सीए कार्यालय में जो कर्मचारी जो काम कर रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई। कर्मचारियों का व्यापक तकनीकी विश्लेषण किया, जिससे पता चला कि उनमें से एक कर्मचारी जिसका नाम अमन दुबे की गतिविधियां संदिग्ध थी। पूछताछ के दौरान उसने शुरू में इस संलिप्तता से इनकार किया, मगर जब सबूत दिखाए तो उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली, जिसके बाद उसने खुलासा किया कि उसने 3 साथियों के साथ मिलकर ये लूट का इरादा किया था और लूट का अंजाम दिया था। जिसके बाद पुलिस टीम 21 और 22 सितंबर की रात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और बुलंदशहर में छापेमारी की गई अलग अलग, और वहां से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 6,26,000 रुपये बरामद किए। पकड़े गए सभी आरोपियों के नाम, पहला आरोपी ललित कुमार, दूसरा आरोपी पुष्पक उर्फ भूरा, तीसरा आरोपी सचिन, चौथा आरोपी अमन दुबे। इन चारों को गिरफ्तार किया। इन चारों आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। इनके पास से लूट की रकम में से 6,26,000 रुपये बरामद किए हैं। क्या आप लोग सब जान रहे हैं, कुछ एक लोग आप लोग मौजूद भी थे, 20 तारीख का ये इंसिडेंट है, डे लाइट आर्म्ड रॉबरी रही इसमें, और आर्म्ड रॉबरी रही मतलब कि हमारे को जो मौके से पता चला कि ये सीए का ऑफिस था जिसको टारगेट किया गया। सीए का नाम है नरेंद्र कुमार, और इनका जो ये बिजनेस था, इनकी कैबिन्स फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे भी थी और फर्स्ट फ्लोर पे भी थी। तो उस दिन जो वाकया बनी वो ऐसी हुई कि इनके एक ड्राइवर हैं विजेंद्र, जो इनको घर से पिक करते हैं, ये घर से पिक हुए और अपने ऑफिस आए। जैसे ही ऑफिस आए, फर्स्ट फ्लोर पे जो इनका ड्राइवर था वो इनका कैश हैंडल कर रहा था, और जो विजेंद्र है फर्स्ट फ्लोर पे अपने कैबिन में बैठा हुआ था, गिन रहा था पैसे। और उस समय पे ये 2 आर्म्ड रॉबर्स आए, उसने जी कनपट्टी पर एक बंदूक तानी और 9 लाख रुपए इनसे कैश ड्रॉप करके भाग गए ये लोग। तो हम लोग ने इसकी तफ्तीश तुरंत ही शुरू कर दी, हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम इसमें एंगेज हो गई, हमारे एसीपी ऑप्स, हमारे एडिशनल डीसीपी साहब और हमारे इंस्पेक्टर खारी और उनकी जो साथ में टीम लग गई, एंड हमने इस पर काफ़ी सीसीटीवीज को खंगाला और हमें फर्स्ट क्रैक मिला उसमें से। एक्चुअली क्रैक मिला टेक्निकल काम से, मैं इसमें ये एडिशनल पॉइंट देना चाहूँगी कि हमने इस पर बहुत ही अच्छा डंप डेटा एनालिसिस किया। ऑफकोर्स हमने पहले सीसीटीवी से क्रैक लिया और फर्दर फिर टेक्निकली इसको कनेक्ट किया। जब हमने 2 टीम्स बनाई, एक टीम जो सीसीटीवीज को ट्रेल कर रही थी, जिसमें करीबन हमने 100 के सीसीटीवीज खंगालने शुरू किए, रूट बनाना शुरू किया, और साइमल्टेनियसली टीम ने काम किया क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी शक के दायरे में थे। तो इनके पास करीबन 13 एम्प्लॉयज़ थे, जिसमें से उस दिन हमने ये चेक किया कि 2 एम्प्लॉयज़ जो हैं मौजूद नहीं थे, एक ऑफिशियली छुट्टी पर थी, एक लेडी एम्प्लॉय थी इनकी, और एक एम्प्लॉय जो थे एक ऑडिट पर गए हुए थे। सो इन 2 एम्प्लॉयज़ के अलावा बाकी सब मौजूद थे, तो हमें कहीं ना कहीं शक की सुई एम्प्लॉयज़ पर जा रही थी। तो जब टेक्निकली काम किया, कुछ एक चीज़ें हमारे सामने आई और देखा कि इसमें से एक अमन दुबे नाम का व्यक्ति है, इन्हीं का अपना एम्प्लॉय है, इनके साथ 2-2.5 साल से काम कर रहा है और ट्रस्टेड एम्प्लॉय था, इसका हमें इंडिकेशन हुआ। तो जब इनको हमने क्रॉस किया तो इन्होंने एज इट्स एक्सपेक्टेड इन्होंने डिनाई की सारी अपनी बात, बट क्योंकि हमारे पास टेक्निकल था तो हमने इनको फर्दर क्रॉस किया, तो देन ही ब्रोक ओपन सारी, फिर उनसे स्टोरी हमें पता चली।
तो इसमें हमने टोटल 4 लोगों को अरेस्ट किया है अमन दुबे के साथ मिलकर। इन्होंने जो हमें स्टोरी ये बताई, इसको हमने क्रॉस चेक भी किया कि ये 3 लड़के थे जिनसे इनकी दोस्ती होती है एक शादी में, करीबन 4 महीने पहले मिले ये, एमपी में मिले। और इन तीनों लड़कों के नाम है ललित, एक है पुष्पक और एक है सचिन। सो ये अमन की दोस्ती होती है इन तीनों से एक शादी के दौरान, और वहाँ से इन्होंने मिलना जुलना शुरू किया। और ये तीनों में से ललित की एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हमें पता चली है, नोएडा की है, एक स्कफल में इन्वॉल्व थे। वैसे डिप्लोमा होल्डर हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से यूपी में। सो इन्होंने प्लान किया कि इनको पैसों की ज़रूरत थी, थोड़े लाइफस्टाइल अच्छा जीने के आदी थे, तो इन्होंने प्लान किया कि अब हमें इजी मनी चाहिए। तो ये इसके साथ मिले, अमन ने कहा कि हाँ मेरे जो लाला है उसके पास बहुत अच्छा पैसा आता है, रोज़ का आता है, तो हम चांस लेंगे। और ये जो इन्होंने फिर इस वारदात को अंजाम दिया उस दिन को, जैसे 20 तारीख को, उससे पिछले दिन ये लोग आ गए थे, इसी के साथ इसके घर पे रुके अमन दुबे के साथ, और सुबह एक बाइक पर आए हैं ये। और इनफैक्ट बाइक के नंबर प्लेट्स भी नहीं थे, देयर वाज नो नंबर प्लेट। सो इससे हमारा काम काफ़ी मुश्किल हुआ, बट टेक्निकल काम अच्छा हुआ इसमें। सो वी वर एबल टू क्रैक इट विद इन 24 आवर्स, आई थिंक लेस देन 24 आवर्स वी वर एबल टू अरेस्ट। इसमें रातों रात हमने टीम्स, जब हमें इनकी लोकेशंस की पूरी कंफर्म हो गया और अमन से हमें इनके नाम वगैरह आ गए, तो हमने फिर टीम्स भेजी अलीगढ़ और बुलंदशहर में, और साइमल्टेनियसली रेड्स करके उसी रात में हम लोग सबको उठा के 6.26 लाख की इसमें ऑलरेडी रिकवरी हो चुकी है, कुल मिलाकर 9 लाख गया था, मोटरसाइकिल जो यूज़ हुआ था क्राइम में वो भी।